मर्दों के लिए एज, अगर कोई उससे थोड़ा सा बेहतर चाहता है एक्नोफ फेस वॉश, यस, कोई उससे एक्सपेंसिव बाहर वाला चाहता है टीन डम जेल, ठीक है, टीन डम, टी ई डबल एन टीन डी ई आर एम डम जेल, ठीक है। तो ये डिफरेंट वैरायटीज़ हैं, डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिसमें आप अपनी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से यूज़ कर सकते हो। तो ये चेहरे पे जो मिट्टी लगा लेती हैं कुड़ियाँ, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, मुल्तान की सारी मिट्टी ख़त्म हो गई है, मुंह पे लगा लगा के इसका कोई खास फ़ायदा नहीं होता। मैम प्लीज़ सनस्क्रीन के नाम भी बताइएगा। अच्छा बेटे, सनस्क्रीन में जैसे काशिफ साहब हैं, आसिफ साहब हैं, इनके लिए सीबम कंट्रोल वाला जो कि नज़र ना आए, जो कि नज़र ना आए, क्योंकि सर लिख लें, काफ़ी सारी फीमेल्स जो हैं वो चाहती हैं कि हमारे मुंह पे नज़र ना आए, और काफ़ी मेल्स तो वैसे भी चाहते हैं उनके मुंह पे सनब्लॉक लगा हुआ या वाइट वाइट सा लगा हुआ चीज़ अच्छी नहीं लगती, तो उसके लिए हम सीबम कंट्रोल वाला देते हैं। जी सॉरी, मैं सिर पे तेल लाना ऑलिव वही मुंह पे हाथों से लगा के निकल जाए। अच्छा, तो वो उनके लिए सीबम कंट्रोल। अच्छा, और जो फीमेल्स हैं, जैसे आप वर्किंग फीमेल्स हैं, तो आपके लिए थोड़ा सा टिंटेड, ताकि आप लोगों को मेकअप या फाउंडेशन इस्तेमाल ना करनी पड़े, उस तरह के सनब्लॉक्स अवेलेबल जो कि फाउंडेशन थोड़ी सी बेस टाइप के होते हैं, उस तरह के सनब्लॉक्स आपको दे सकते हैं हम। उसमें डिपेंड करता है कि कुछ लोगों के मुंह पे दाने हैं और कुछ पे नहीं है। जिनके मुंह पे दाने नहीं है, जिनकी स्किन बिल्कुल ठीक है, स्पेक्ट्रा ब्लॉक 100 मैक्स 550 रुपये का है। स्पेक्ट्रा ब्लॉक 100 मैक्स मर्दों के लिए, और आदमियों वाला थोड़ा सा महंगा है, वो स्पेक्ट्रा मैट SC40 और सी ब्लॉक 60, ये दोनों जो हैं वो थोड़े से महंगे हैं, लेकिन मेल्स यूज़ कर सकते हैं, उनके मुंह पे नज़र नहीं आएंगे, और तकरीबन एक सनब्लॉक। मैम एक्ने के लिए भी बताइएगा, ये फेस वॉश या ये क्रीम्स किस एज से शुरू करनी चाहिए, आई मीन टीनएजर यूज़ कर सकती हैं? देखो बेटे, जो एज़ फार एज़ योर फेस वॉश इज़ कंसर्न, ये आपके जब आपके दाने निकलना शुरू होते हैं ना एक्ने के हिसाब से, तो 11-12 साल के बच्चे जो है ना हमारे पास आते हैं, तो उनको 2% सैल्सिलिक एसिड वाला जो फेस वॉश है वो हम प्रिस्क्राइब करते हैं, ताकि उनके दाने कंट्रोल में आ जाए। और दूसरा वाला एक्सीलेंट, अगर आपके मुंह पे कुछ भी नहीं है, और इफ़ यू आर यूजिंग डव सोप, कैप्री सोप, इट डिपेंड्स अपॉन योर अफोर्डेबिलिटी, और मॉइस्चराइज सोप, दैट्स फाइन। अगर आप फेस वॉश यूज़ करना चाहते हैं, कुछ नहीं है, तो उसमें भी हमारे पास काफ़ी सारी वैरायटीज़ है, महंगे से महंगा, सस्ते से सस्ता, तो उस हिसाब से भी हम मरीज़ को दे देते हैं। मतलब एक फेस वॉश इट कॉस्ट यू अराउंड 550 रुपीज़, और 2 महीने चलता है, तो अगर उसको देखें तो वो साबुन की उस पर ही आ जाता है, और दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल करना है। जितने भी बच्चे हैं उन सबको हम कहते हैं कि आपने ना एंटीबैक्टीरियल सोप्स यूज़ नहीं करते, क्योंकि माएँ जो है वो सबसे पहले उनको एंटीबैक्टीरियल जरासीम मारना शुरू कर देती हैं, और आधे से ज़्यादा बच्चे हमारे अटॉपिक हैं। अटॉपिक का मतलब होता है कि इनमें इनहेरिटेडली एक्जीमा के चांसेस होते हैं, तो इसके लिए हम मरीज़ों को कहते हैं कि जी आपने एंटीबैक्टीरियल सोप्स यूज़ नहीं करने, इट्स बेटर टू हैव मॉइस्चराइज सोप्स। इट डिपेंड्स अपॉन योर अफोर्डेबिलिटी, लाइक डव, कैप्री, लक्स, पाम ऑलिव, रिक्सोना, लेकिन उसमें भी नॉन परफ्यूम टाइप ऑफ थिंग्स, जो कि जिसमें परफ्यूम नहीं है। अगर आप परफ्यूम वाली यूज़ करेंगे तो फिर सारा वो मकसद ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। छोटे बच्चों के लिए हम बेबी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, तो किस एज पे बेबी प्रोडक्ट्स यूज़ करने बंद करने चाहिए? किसी भी एज में बेबी प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी बेबी प्रोडक्ट पाकिस्तान में एक नंबर नहीं मिलता, उसकी वजह से बच्चों को नुकसान पहुँच रहा है, तो इट्स बेटर टू हैव डव। मैम एवीनो अच्छा, अगर वो भी एक नंबर मिल जाए, क्योंकि वो भी 2 नंबर मिल रहा है आजकल, बट एवीनो इज अ गुड। बेटे इफ़ यू हैव डव एंड दिस इज़ एक नंबर, क्योंकि डव भी 2 नंबर आ रहे हैं, तो दैट्स फाइन। अगर आपको एवीनो प्रोडक्ट्स की श्योरिटी है कि दैट इज़ अवेलेबल और दैट इज़ इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स, दैट्स फाइन। एवीनो बेसिकली हम यूज़ करते हैं उन लोगों को जिनको एक्जीमा होता है, और अगर आपको एक्जीमा नहीं है तो दैट इज़ नो फन कि आप इतना महंगा यूज़ करें, आप आम भी यूज़ कर सकते हैं। बेबी प्रोडक्ट्स किस एज पे बेबी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए और बड़ों वाले प्रोडक्ट्स शुरू कर लेने चाहिए? बेटे देखो, बेबी प्रोडक्ट्स, बेबी की स्किन जो है ना, उसको वैसे इतने ज़्यादा प्रोडक्ट्स की सिलेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। ये मिसकॉन्सेप्ट है कि जी अच्छा बेबी पैदा हुआ तो साथ ही हम जॉनसन और मदर केयर की, क्योंकि बेबी की अपनी स्किन बहुत अच्छी होती है, एक्स्ट्रा मॉइस्चराइज होती है। आप लोग जब हमारे पास आते हो तो कहते हो हमें बेबी स्किन चाहिए, क्यों कहते हो? क्योंकि बेबी की स्किन सबसे ज़्यादा अच्छी होती है, तो उसको तो इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती कि आप बहुत सारा उसके ऊपर कॉस्मेटिक्स यूज़ करो। तो अगर आप उसको एक दफ़ा दिन में इस तरह के मॉइस्चराइज सोप से नहा देते हो तो ठीक है, दैट्स फाइन। कुछ बच्चे जो है उनको ज़रूरत होती है, जिनके साथ प्रॉब्लम होती है, उनको स्पेसिफाई करते हैं कि बेटे आप ये वाला सोप यूज़ करें। और सन ब्लॉक यूज़ करना है जो बच्चा 1 साल का चलना शुरू होता है, उस साल से लेके वो बाबा जी जो मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाते हैं, 100 साल के बाबा जी, वो कहते हैं ऊपर उठा लो उस तक, ठीक है। सब ने यूज़ करना है, ऑल एज ग्रुप्स।
ठीक है, बच्चों का सन ब्लॉक होते हैं, ठीक है, बच्चों के बेसिकली हम कोशिश करते हैं कि वो वाले सन ब्लॉक्स नहीं जो कि थोड़े से साथ उनको मॉइस्चराइज टाइप के हों, जैसे स्पेक्ट्रा ब्लॉक 60, दैट्स एक्सीलेंट। हेयर फॉल का कोई ट्रीटमेंट बता दें, क्यों होता है ये? बेटे मैं हेयर फॉल की तरफ भी पहले इसका जवाब दे दूँ, आधा जवाब मैंने दे दिया था, आधा जवाब ये है बेटे कि आपने फार्मूला क्रीम्स यूज़ नहीं करनी, क्योंकि उसके साथ फौरन आपके जो फेस के ऊपर दाग हैं वो बेहतर हो जाते हैं और उसके बाद उससे ज़्यादा वर्स्ट हो जाते हैं, तो इसलिए स्टीरॉइड बेस्ड क्रीम्स यूज़ नहीं करनी। काफ़ी सारी कॉस्मेटिक के अलावा हमारी अपनी भी कंपनीज़ जो हैं वो गोरा करने के चक्कर में ऐसी क्रीम्स बनाती हैं जिसके बाद हमें मरीज़ का पता चल जाता है कि जी इसके मुँह के ऊपर ये मसला बनना शुरू हो गया है, दिस इज़ ड्यू टू दिस स्टीरॉइड बेस्ड क्रीम्स। हाँ, उसमें मर्करी इस्तेमाल होता है, उसमें स्टीरॉइड इस्तेमाल होते हैं और उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं जिससे आपको आफ्टर 2 to 3 weeks फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपकी स्किन पतली हो जाती है, रोजेशिया डेवलप हो जाता है और फिर उसके बाद आप किचन में जाने जोगे नहीं रहते और फिर बहुत मसले मसाइल हो जाते हैं। ठीक है, उसको ठीक करने के लिए भी, रोजेशिया को ठीक करने के लिए भी कम अज़ कम हमें 3 to 6 months की ट्रीटमेंट चाहिए जिसमें हम आइसोट्रेटिनिन देते हैं और आइसोट्रेटिनिन हम ऐसे नहीं दे सकते, बेसिकली इसमें हमें पूरी हिस्ट्री पूछनी होती है कि फीमेल इज़ इन रिप्रोडक्टिव एज, शादी हो गई नहीं हो गई, शादी से पहले दवाई बंद करनी होती है और चूल्हे के पास नहीं जाना, मतलब आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है एट द एंड ऑफ द डे वो कम्प्रोमाइज़ हो जाती है, इसलिए इट्स बेटर वी आर नॉट गोइंग टू यूज़ दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स। राइट, ग्लूटाथायन बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट है जो कि यूज़ करते थे कैंसर थेरेपी में और इसका साइड इफ़ेक्ट ये देखा गया है कि इससे आपका कलर बेहतर होना शुरू हो जाता है, ये यूज़ करते हैं, लेकिन अब ग्लूटाथायन जो है वो पॉलर्स वाले भी यूज़ कर रहे हैं, ग्लूटाथायन का शोर हो गया है, हर कंपनी वाला आ जाता है जी ग्लूटाथायन है, मैं कहती हूँ हांडी में डाल के ग्लूटाथायन लोगों को देना शुरू कर दें, क्या करें, ग्लूटाथायन अच्छी चीज़ है लेकिन उसको हमने बुरा बना दिया है। सबसे पहले ग्लूटाथायन के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर वो डॉक्टर आपका टेस्ट नहीं कराता, टेस्ट कराए बगैर आपको कहता है मैं आपको टीके लगा दूंगा, आप मुझे बस इतने पैसे ला दो, तो वो दिस मीन्स के डॉक्टर को खुद भी ग्लूटाथायन के बारे में कुछ नहीं पता। ठीक है, ग्लूटाथायन जो है वो बेसिकली हेपेटाटॉक्सिक है, अगर एक पेशेंट हेपेटाइटिस बी या सी का है तो उसके उसको वर्स्ट कर देगा। ठीक है, आपके अगर किसी को एलर्जी है, हिस्ट्री उसको अर्टिकेरिया या उसको क्यू ड्रग रिएक्शन की हिस्ट्री है तो उसकी स्किन पूरी की पूरी ख़राब हो सकती है, उसकी जान जा सकती है, एनाफिलैक्टिक रिएक्शन हो सकता है। सबसे पहले मरीज़ के सारे की सारी इन्वेस्टिगेशंस करानी चाहिए, उसकी अफोर्डेबिलिटी को चेक करना चाहिए, बेसिकली दिस इज़ एक्सपेंसिव थिंग, टैबलेट फॉर्म में भी और उसके बाद उसकी इंजेक्टेबल फॉर्म में भी, तो अगर मरीज़ अफोर्ड कर सकता है तो फिर हम उसको देते हैं। अगर एक बच्ची मेरे पास आती है और वो कहती है जी मुझे अपना कलर जो है ना वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत करना है, बहुत ज़्यादा सफ़ेद करना है और मुझे ग्लूटाथायन भी लगवाने हैं इंजेक्टेबल फॉर्म में और उसके अब्बा जी मतलब दे बिलोंग टू लो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, तो आई एम नॉट गोइंग टू एडवाइस हर, बेसिकली शी कांट अफोर्ड, तो उसको बहुत प्यार से टैक्टफुली बताने की ज़रूरत है और बाकी लोगों को भी ये समझने की ज़रूरत है कि अगर हम ग्लूटाथायन लगाते हैं तो ओवरनाइट मिरेकल नहीं होता, आपकी स्किन की जो टोन है, बेसिकली वी हैव 5 to 6 skin types, पहली 3 skin types जो हैं वो सिर्फ अंग्रेज़ों की हैं, 1, 2, 3, आपको मेरा रंग बहुत सफ़ेद लग रहा होगा लेकिन मैं भी type 4 में फॉल करती हूँ, type 4 से लेके 6 तक हम जितने भी काले लोग हैं उनकी स्किन है, तो काले लोगों की स्किन का सबसे ज़्यादा एडवांटेज ये है कि हमें स्किन कैंसर के चांसेस बहुत कम होते हैं, वो अलहदा बात है कि हम लोग कुछ मिसयूज़ ऑफ प्रोडक्ट्स की वजह से अपने आप को उस तरफ ले जाएं, लेकिन हम लोगों की स्किन में स्किन कैंसर के चांसेस कम होते हैं, type 1 to 3 वाली जो स्किन है इसमें स्किन कैंसर के चांसेस और काफ़ी सारी स्किन डिजीज़ के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसमें अगर हम ग्लूटाथायन के साथ बहुत ज़्यादा कोशिश कर लें तो हम अपनी एक स्किन को एक टोन इम्प्रूव कर सकते हैं, एक टोन से ज़्यादा नहीं। अगर आपको नज़र आता है कि जी फ़हद मुस्तफ़ा ने ग्लूटाथायन लगवाए और वो बहुत ज़्यादा गोरा हो गया, काजुल थी वो बहुत काली थी उसने लगाए, तो भाई सिर्फ ग्लूटाथायन के साथ उनकी स्किन में इम्प्रूवमेंट नहीं आई, इसके साथ साथ बहुत सारी और ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ होती हैं, लाइक केमिकल पील्स होते हैं, लाइक लेज़र्स यूज़ करते हैं, लाइक हम इंजेक्शंस लगाते हैं, मीजोथेरेपी करते हैं और इसके बाद वो उसके सेशंस लेते हैं और साथ ग्लूटाथायन लगाते हैं, देन दे विल गेट द रिज़ल्ट, और उसके बाद मेकअप का इफ़ेक्ट भी होता है जो कि आप लोग करते हो उस ये स्किन के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर मेकअप की वजह से या कुछ इस तरह आपका डिफरेंट कम्प्लेक्शन नज़र आता है, ऐसा नहीं है, अगर आप उनको वैसे देखो तो शायद आप लोग डर ही जाओ। ठीक है, तो इसलिए बेवकूफ़ बनने की ज़रूरत नहीं है, सही हो गया। अच्छा, उसके बाद हेयर फॉल, हेयर फॉल मेरा ये सवाल है, मैं भी जानना चाहता हूँ क्योंकि लोगों को बताना होता है, जो काले हैं उनकी कोशिश होती है कि हमारी स्किन जो है वो चिट्टी हो,
और जो चिट्टे हैं बाहर के मुल्कों में वो अपनी स्किन को टैन करते हैं धूप में बैठ के ब्राउन करते हैं, मैं हैरान हूं कि एक ही वक्त पे आदलों का वो उस वजह से क्यों करते हैं, ये इनको समझाएं कि चिट्टे टैन करते हैं और जो काले हैं वो चिट्टा करते हैं। हम लोग को लगता है कि अंग्रेज़ जो है ना वो बहुत खूबसूरत है तो हम खूबसूरत हो जाएंगे, हालांकि अगर आप मिस वर्ल्ड या इस तरह के कॉन्टेस्ट देखें तो वहाँ पे बहुत सारी काली टाइप 6 स्किन वाली जो है उनको भी मिस वर्ल्ड का खिताब मिल रहा होता है। बेसिकली स्किन जो है वो काली या गोरी नहीं होती, स्किन साफ़ सुथरी और कम्प्लेक्शन जो है वो चमकदार होना चाहिए, फ्लॉलेस होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि स्किन जो है ना उसके ऊपर दाने निकले हों, दाग पड़े हों, इस तरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए वो मिस वर्ल्ड और इस तरह के उनको टाइटल्स मिलते हैं, गोरे चिट्टे होने की वजह से उनको खिताब नहीं मिलता। इसलिए गोरा चिट्टा होने का कॉन्सेप्ट जो है ना वो अपने दिमाग से निकाल के सिर्फ स्किन साफ़ सुथरी और चमकदार यानी हेल्दी स्किन होनी चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट बात है। दूसरी बात ये कि जो अंग्रेज़ क्यों करते हैं, उनका ख्याल है कि अगर हम टैन हो जाएंगे तो हमारी स्किन में स्किन कैंसर और बाकी वाली चीज़ें जो है ना वो कम हो जाएंगी, इस और उनको धूप भी नहीं मिलती और वो बाहर बीच पर रिलैक्सेशन के लिए जाते हैं लेकिन वो सनब्लॉक पूरी बॉडी पर वेयर करके उसके बाद बीच पर जाके लेटते हैं। दूसरा वो उन्होंने एक टैन बॉक्स बनाए हुए हैं जिसके अंदर वो लेटते हैं और ताकि उनकी स्किन में टैनिंग आ जाए, उसकी वजह से उनको बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट हैं और वो FDA अप्रूव नहीं है, वो वहाँ पर बैन है। लेकिन वो चोरी चोरी जैसे पाकिस्तान में फार्मूला क्रीम लगाते हैं इसी तरह वो भी चोरी चोरी ये सारे काम करते हैं। सन टैनिंग जैसे आजकल हमारा ये बहुत ज़्यादा मसला है, अच्छा तो इसके लिए हमें इसके क्या लिए करना हमें सन प्रोटेक्शन यूज़ करनी चाहिए, सन ब्लॉक यूज़ करना चाहिए और अगर लड़के हैं तो उनको पी कैप, मैं कहती हूँ कि पी कैप लें ताकि डायरेक्ट सनलाइट आपके फेस पर नहीं पड़े, और फीमेल्स जो है अगर उन्होंने दुपट्टा लिया हुआ है थोड़ा सा घूंघट निकाल लें, ठीक है, और जैसे फीमेल्स ने कवर किया होता है इधर तक सारा तो उनके लिए लेस लाइकली चांसेस होते हैं सनबर्न के, लेकिन सनब्लॉक फिर भी लगाना है। मैं पूछना चाह रही हूँ कि स्किन में स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है जैसे हेयर में होगी फेस पे होगी। सबसे पहली वजह कि मेरे जैसे हडराम जो हर वक्त AC में बैठे रहते हैं और गर्मी में धूप में बाहर नहीं निकलते तो जब उनको थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ता है तो उनको स्वेटिंग ज़्यादा होती है, नंबर वन। नंबर टू, दिस इज़ हाइपरहाइड्रोसिस। हाइपरहाइड्रोसिस का मतलब होता है ये जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, कुछ लोगों के बगलों में ज़्यादा पसीना आता है, बू आती है, कुछ लोगों के सर में आता है, कुछ लोगों के मुंह पे आता है, कुछ लोगों के पाँव पे आता है। तो इसके लिए सबसे चीपेस्ट मेथड ये है, फटकड़ी का नाम सुना होगा, पानी के अंदर थोड़ी सी घोल के तो उसके साथ बात लेना है। जब आपने फेस पे नहीं अप्लाई करना बेटे, फेस के लिए बता रही हूँ, जब अगर आपकी यहाँ पे पसीना ज़्यादा आता है या जिस्म पे पसीना ज़्यादा आता है तो आपने क्या करना है कि आपने फटकड़ी पानी के अंदर घोल के उसके बाद आपने उसके साथ जब लास्ट आपने जाना है तो उस लास्ट बकेट आपने नीचे यहाँ से नीचे फेंक लेनी है, इसके साथ आपको पसीना कम आएगा। अगर हाथों और पाँव पे पसीना आता है तो वो 5 मिनट के लिए घड़ी पर टाइम देख के तो आपने रखना है ऐसे और रोज़ करना है। दिस इज़ एलम स्टोन, फटकड़ी को एलम स्टोन बोलते हैं, उसके साथ आपका पसीना कम होना शुरू हो जाता है। सेकंड मेथड जो है, इसमें एक डिवाइस मिलती है वो 4.5 लाख रुपए की अब तक होगी होगी, उसमें भी रोज़ ही आपने हाथ रखने हैं, पाँव रखने हैं, तो देर इज़ नो फन कि एक सस्ती सी चीज़ की जगह एक महंगी चीज़ ले लें। तीसरा तरीका क्या है कि हम बोटॉक्स के इंजेक्शन लगाते हैं हाथों और पाँव पर जिसके साथ 6-8 महीने तक आपको पसीना नहीं आता, ठीक है। फेस के ऊपर भी मीज़ोथेरेपी हो जाती है, मीज़ो बोटॉक्स लगाते हैं जिसके साथ पसीना कम होना शुरू हो जाता है और स्कैल्प पे भी। दूसरी बात ये, पोस्ट मीनोपॉजल फीमेल्स जो होती हैं जिनके के पीरियड्स ख़त्म होने वाले होते हैं उनको भी पसीना ज़्यादा आता है, उनको हॉट फ्लैशेज़ होते हैं, उनको गर्मी ज़्यादा लगना शुरू हो जाती है और गुस्सा ज़्यादा आना शुरू हो जाता है, तो उसमें फिर हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं। जिनको पसीना नहीं आता उनके स्वेट ग्लैंड्स ख़राब होते हैं, वो एटॉपिक पेशेंट होते हैं, एक्जिमा वाले मरीज़ होते हैं, उनकी बॉडी का थर्मोस्टेट ख़राब होता है, जैसे उनको सर्दियों में ज़्यादा सर्दी लगती है, गर्मियों में ज़्यादा गर्मी लगती है, एक थायोसिस एक डिज़ीज़ होती है उसमें ऐसा होता है, एक्जिमा के मरीज़ को ऐसा होता है, तो उसमें हम उनको कहते हैं कि अपने ठंडी और गर्म जगह पर यानी मॉडरेट इन्वायरमेंट होनी चाहिए, ना बहुत ठंडी होनी चाहिए ना बहुत गर्म होनी चाहिए, और साथ प्लेंटी ऑफ मॉइस्चराइज़र के लिए कहते हैं। बट इज़ फंगल इन्फेक्शन, दैट्स गुड क्वेश्चन। फंगल इन्फेक्शन बेसिकली प्योरली डर्माटोलॉजी का है। फंगल इन्फेक्शन बेसिकली इसी तरीके से है जैसे फफूंदी लग जाती है रोटी को बरसात के मौसम में, इसी तरह इंसानों को भी लग जाती है जिनको बहुत ज़्यादा पसीना आता है या बहुत ज़्यादा बाहर काम करते हैं, उन लोगों में किसी को फंगल इन्फेक्शन हो गया तो वो कंटेजियस होता है, एक बंदे से दूसरे बंदे को लग जाता है। जैसे एक ही वाशरूम में बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ
कमोड वाला, उसके साथ आपको लग सकती है। जैसे आपके घर में आप एक ही सोप यूज़ कर रहे हो, टॉवल यूज़ कर रहे हो, उसके साथ लग सकती है। एक बंदे को लगी तो पूरे घर को लग सकती है। तो उसके लिए ट्रीटमेंट कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सिर्फ आपकी डिजीज़ नहीं है, ये आप दूसरे लोगों को भी गिफ्ट कर देंगे ना, तो इसलिए बेहतर है कि आप इसका इलाज करा लें। जी मैम, आपका सवाल, टाइम कम है। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, कैन यू प्लीज टेल अस हाउ टू रिमूव डार्क लाइंस अराउंड द नेक? हाउ टू रिमूव व्हाट? डार्क लाइंस अराउंड द नेक। अराउंड द नेक बेसिकली डार्क लाइन्स अराउंड द नेक इज एकेंथोसिस निग्रीकेंस। एकेंथोसिस निग्रीकेंस भी एक डिजीज़ है जो कि अनफॉर्चुनेटली जेनेटिक डिसऑर्डर है, बट दिस इज़ नॉट ओनली द जेनेटिक डिसऑर्डर। बेसिकली ये आपकी फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ है अगर, और आप बहुत ज़्यादा ओवरवेट हैं, तो फिर आपको एकेंथोसिस निग्रीकेंस के चांसेज आर देयर। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप वेट रिड्यूस करें, वेट रिड्यूस करना बहुत ज़रूरी है, और अपनी डाइट को पोर्शन साइज में करें। अगर आप एक वक्त में डाइटिंग के चक्कर में भूखा रहते हैं और उसके बाद फिर दूसरी टाइम पे आप बहुत सारा खाना खा लेते हैं, आपकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल जो है वो इस तरीके से फ्लक्चुएट करता है, तो फिर आपकी गर्दन काली होना शुरू हो जाती हैं, बगलें काली होना शुरू हो जाती हैं, अंडर लेग्स काले होना शुरू हो जाते हैं। दिस इज़ व्हाट वी कॉल इट एकेंथोसिस निग्रीकेंस। इसमें हम टॉपिकल एप्लीकेशन के लिए भी देते हैं, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी होती है कि आपने अपना वेट रिड्यूस करना है। अगर आप अपना वेट रिड्यूस नहीं करेंगे तो आपको डायबिटीज़ हो जाएगी, क्योंकि ये एक अल्लाह ताला की तरफ से वार्निंग साइन समझ लें कि आपको डायबिटीज़ हो जानी है, इसलिए बाज आ जाए। मैम, फंगल इन्फेक्शन को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? बेटे, फंगल इन्फेक्शन को हम ऐसे रिड्यूस कर सकते हैं कि जिसको फंगल इन्फेक्शन है वो फ़ौरन बजाय इसके कि ओवर द काउंटर जाके मेडिसिन ले, स्टीराइड बेस जो कि आपके जो फार्मासिस्ट तो हमारी वहाँ फार्मेसीज पे अवेलेबल नहीं होते, एक स्टोर वाला भाई होता है जो कि 10वीं पास होता है, वो आपको कहेगा जी भाजी ए ला लो, ये नाल बहुत ठीक हो जाओगे। वो स्टीराइड देगा जिसकी वजह से उस वक्त ठीक हो जाएगा, उसके बाद आपका वो ज़्यादा एग्रीवेट कर जाएगा। तो इट्स बेटर कि आप फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएँ, अपना इलाज कराएं, अपना टॉवल सोप सारी चीज़ें अलहदा कर लें, ताकि दूसरे लोगों में आप स्प्रेड नहीं करें। आपका सवाल हो गया, ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम, अस्सलाम वालेकुम जी। इधर मैम, मैंने आपसे ये पूछना था कि बच्चे हैं उनके बालों की ग्रोथ बहुत हल्की होती है, बहुत थोड़ी होती है अक्सर, तो वो उनके कहीं से बाल होते हैं कहीं नहीं होते हैं, तो वो उसका क्या सर के बाल? हाँ जी, सर के बाल। देखो बेटे, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं जो 4 से 5 साल की उम्र तक है और उनके बाल बहुत कम हो रहे हैं, तो सबसे पहली बात ये कि आप उसको चेक करें कि वो कहीं मिट्टी तो नहीं खा रहा, ठीक है, उसको डीवर्म करें। उसके बाद उसकी CBC की एक सिंपल सी रिपोर्ट होती है, बहुत सस्ती सी, 200-300 रुपये की हो जाती है, 400 की भी मतलब महंगे वाले लोग कर लेते हैं, लेकिन 300 तक मतलब ठीक है। उस रिपोर्ट में हमें पता चलता है कि आपकी हेल्थ स्टेटस क्या है, उसमें खून की कमी है उसको इम्प्रूव करेंगे, साथ टॉपिकल एप्लीकेशन के लिए देंगे। तो ये नॉर्मल अगर किसी के बाल कम हैं, कुछ डिजीज़ में भी बाल कम होते हैं, या आपके सर के अंदर से बाल जो है ना वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, यानी जैसे बाल चढ़ जिसको कहते हैं, ठीक है, दिस इज़ एलोपेशिया रिएटा, तो वो सर्टन ऑटोम्यून डिजीज़ में ऐसा होता है। ऑटोम्यून डिजीज़ लाइक थायराइड डिजीज़, ठीक है, ऑटोम्यून डिजीज़ लाइक डायबिटीज़, ऑटोम्यून डिजीज़ लाइक सोरियसिस चंबल, और थायराइड डिजीज़ को क्या बोलेंगे, गले के दूधों का मसला, ठीक है, विटिलाइगो फिलवेरी, दीज आर द ऑटोइम्यून डिजीज़, ठीक है। तो हमने उन सारी चीज़ों को रूल आउट करना होता है, और उसके बाद फिर हम साथ मेडिसिन देते हैं खाने के लिए, और इसमें अनफॉर्चुनेटली हमें स्टीरॉइड देने पड़ते हैं फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन काफ़ी सारे मरीज़ गायब हो जाते हैं, और उसके बाद उनको स्टीरॉइड के साइड इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाते हैं। तो जब भी अगर डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करे, वैसे मैं कोशिश होती है ना दो, लेकिन जब दो तो फिर मरीज़ को कहते हैं कि भाई इतनी देर बाद इसको बंद कर देना, क्योंकि अगर आप इतनी देर बाद इसको बंद नहीं करेंगे तो एट द एंड ऑफ द डे वो आपको ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा। जी, ये वाला सवाल जी। मैम, फंगल इन्फेक्शन के लिए क्लोट्रिम लोशन जो है वो ठीक है? बेटे, उसमें क्लोट्रिमाजोल है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी स्टेज क्या है। लोशन स्कैल्पेल के लिए होता है, ऑइंटमेंट या क्रीम जो है वो बॉडी के लिए होती है। मेरी बेटी को फंगल इन्फेक्शन है, ठीक है, तो उसका नेक के पीछे अंडर लेग्स इस तरह ऐसे है, तो बेटे अगर बॉडी के ऊपर है तो उसमें क्रीम या ऑइंटमेंट देते हैं, लेकिन साथ उसमें एंटी फंगल ड्रग्स भी देते हैं, और अगर स्कैल्प के अंदर है तो फिर स्कैल्प के लिए लोशन होता है, बॉडी के लिए लोशन बेटे वो फिर क्रीम मिसयूज़ होना शुरू हो जाती है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ भी लगती है, वो फंगल है नहीं है, आप उसको हर जगह इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, जैसे हमारा स्टोर वाला भैया हर जगह पर बेटोवेट दे देता है कि ठीक है ही लाई जाओ। जी एक्सक्यूज मैम, आई हैव टू क्वेश्चंस, दोनों बहुत खास हैं, बच्चे 11:30 बजे या बड़े, दोनों मिट्टी की ख्वाहिश क्यों करते हैं कि ये मुझे खानी है?
ठीक है, और बच्चे भी करते हैं और सम टाइम बड़े भी करते हैं। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि टॉन्सिल्स हर किसी के गले में होते हैं लेकिन वो बिगड़ जाते हैं, क्या इनके बिगड़ने से बच्चे की ग्रोथ में उसके ब्लड में कोई कमी बेशी होती है? कि क्रेविंग क्यों होती है मिट्टी खाने की? बेसिकली जब आपके पेट के अंदर कीड़े होते हैं ना तब आपको क्रेविंग होती है मिट्टी खाने की, चौक खाने की, आपको और काफ़ी सारी चीज़ें जिसकी खाने की क्रेविंग होती है। तो सबसे पहले आपको डीवर्म करना ज़रूरी है, उसके बाद फिर हम आपको आयरन को इम्प्रूव करने के लिए दवाई देते हैं। जब आपका आयरन स्टेटस ठीक हो जाता है, एच बी इम्प्रूव हो जाता है, तो फिर आपका दिल नहीं करता मिट्टी खाने को। डॉक्टर साहब इससे साथ रिलेटेड क्वेश्चन मैं करूँगा, बहुत सी लड़कियाँ नाहुन खाती हैं फिर स्वालो करती हैं और कच्चे चावल खाती हैं। कच्चे चावल जो है वो बेसिकली वही वार्म इन्फेस्टेशन की वजह से होता है, तो उसमें हम डीवर्म करते हैं और उसके बाद उसकी एच बी इम्प्रूव करते हैं। इनको खाने well चाहिए कच्चे चावल? पका लेंगे तो आते हैं, सानू नहीं आते, सानू कच्चे चावल खाने से। दूसरी बात क्रेविंग होती है ना, उनको क्रेविंग होती है, दिस इज़ जस्ट लाइक एडिक्शन, नशा होता है कि भाई मैं इसको खा लूँगी तो फिर पता नहीं क्या हो जाएगा। दूसरी बात ये कि जो फीमेल्स नेल बाइटिंग करती हैं या मेल्स नेल बाइटिंग करते हैं वो बेसिकली स्ट्रेस की वजह से होता है। ये साइकेटिक डिसऑर्डर है जिसमें कुछ लोग नेल बाइट करते हैं, कुछ लोग टेंशन की वजह से अपने बालों को प्लक करना शुरू हो जाते हैं, फिर उसको खाना भी शुरू कर देते हैं, तो दिस इज़ बेसिकली साइकेटिक डिसऑर्डर। टॉन्सिल्स का मैम? हाँ, टॉन्सिल्स का बेटे, टॉन्सिल्स वाला जो है ना वो बेसिकली ईएनटी का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी उसमें टॉन्सिल्स आपकी बॉडी को कुछ कहते नहीं है, तो आप उसको बेहतर रिमूव कर दें, क्योंकि ना सिर्फ वो आपकी बॉडी ग्रोथ में इफेक्ट करेगा बल्कि और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स करेगा। गला हर वक्त ख़राब रहेगा, आपकी इम्यूनिटी सप्रेस रहेगी, तो क्या ज़रूरत है? जब आपको एक अपेंडिक्स की ज़रूरत नहीं है तो देर इज़ नो फन कि आप उसकी वजह से पेरिटोनाइटिस का हाल हो, आप उसको बाहर निकाल दो। रिमूव करने के बाद कहते हैं फिर से हो जाते हैं, कैसा है? कैसे हो सकते हैं बेटे? एक चीज़ आपके जिस्म में से हमने आपकी बाजू रिमूव कर दी तो वो दोबारा कैसे उग जाएगी? नहीं हो सकता। स्कार्फ की वजह से जो बाल पीछे की तरफ कम हो जाते हैं उसके लिए क्या करना चाहिए? अच्छा, उसके लिए अभी सारे मौलवी हजरात बैठे शायद मुझसे एग्री ना करें, लेकिन देखो हर मुल्क की अपनी अपनी एक ट्रेडिशन होता है, ठीक है? ट्रेडिशन जो है वो डिफरेंट होता है आपके इस्लामिक फेथ और बाकी सारी चीज़ों से। बेसिकली अगर आपने शलवार कमीज़ पहन के इस बच्ची की तरह दुपट्टा लिया या वो जो बच्ची जा रही है उसकी तरह दुपट्टा लिया है तो ठीक है। अगर आप उसकी जगह पे गर्मी के मौसम में जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है और हमारे पाकिस्तान में हर जगह तो पंखा भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, तो उसके बाद आप सारा दिन सुबह से लेके शाम को 4 से 5 बजे तक यूनिवर्सिटी में रहना है, सारा दिन उसको बहुत ज़्यादा टाइट करके रखोगे तो उसमें पसीना बहुत ज़्यादा आएगा, उसकी वजह से आपके फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, आपके ग्रोथ मतलब हेयर फॉल हो सकता है, आपकी हेयर लाइन पीछे की तरफ जा सकती है, दूसरे रीज़न भी होते हैं, दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न। आधी से ज़्यादा लड़कियाँ यूनिवर्सिटी की गंजी हो गई हैं ड्यू टू दिस टाइप ऑफ हिजाब, नॉट अदर थिंग। दूसरा टाइप ऑफ हिजाब ये है, जैसे इस बच्ची ने दुपट्टा लिया हुआ है, इस नीचे बुरका पहन के इस तरीके से दुपट्टा लिया जा सकता है ऐसे करके, तो ऐसे, ठीक है? मैं हर साल उमरा करने जाती हूँ, मुझे पता वहाँ पे कैसे लेते हैं। एक्नी स्किन के लिए बेटे सन ब्लॉक, अगर आप एक्नी की ट्रीटमेंट ले रहे हो ना जिसमें हम आइसो ट्रीटमेंट देते हैं साथ, जिसके साथ आपकी स्किन जो है वो थोड़ी सी ड्राई होती है या फेस वॉश यूज़ करने की वजह से ड्राई होती है, तो हम थोड़ा सा माइल्ड सा देते हैं जिसके साथ आपकी स्किन में मॉइस्चराइज भी रहे। यूवी मैट 60 जो है ना उसके उस एक्नी वालों को देते हैं हम। Excuse me? ये मतलब सबसे सस्ता है, 550 की रेट।